और वहीं पर एक ठेक। इसका नंद भाई मेरे गैर सत्य गैर सौ रुपए सत्य गैर सौ रुपए सरकार तो रहा नहीं सत्य गैर सौ रुपए सरकार तो रहा नहीं बजते भी इसी का धर्म खाता नहीं पर त्रिया पर नजर डालने वाले को मौत करता है हर गिर विधाता नहीं पांडु पुत्रों के सखा सारथी श्याम अभी जिसकी इज्जत के ऊपर उठे नाच है उसके चिलमन की क्या कोई चोरी करे जिस सती द्रौपदी के पति पांच है जवाब अतर जवाब है बात वह शीशे का दरवाजा वाला गठिया वाला चुनरिया वाला लेकिन सजनी सनी सब बीचे से उसक के ऊपर हो गए सर जवाब है उरहल का कि एक बात कहूँ रे सजनी गठियाला चुनरिया में के करे अब कहो गन एक बात कहूँ सजनी गठियाला चुनरिया यह तर्ज वाले किन गाना का भाव भाग देखा तर से मिली सरितो सागर कहानी अपनी जगह पर भाव गाना का अपनी जगह पर कभी कहना कि सागर से मिले सरिता समुद्र से नदी जाए के मिले यानी गंगा से तमाम नदियां मिलती हैं गंगा जाके गंगा सागर में समुद्र से मिल जानी तो नदी सागर से मिल जानी लेकिन एक चीज नहीं मिलत का कि सागर से मिली सरी तो साहिल तो नहीं मिलत साहिल तो नहीं मिलते किनारे नहीं मिलते एक काम और नहीं कहा कि चांदी के चादर में चांदी के चादर में कभी फूल नहीं खिले चांदी के चादर में कभी फूल नहीं खिलते सुना भैया गौर सुना एक एक लाइन का नंदला कहा घड़ी दुर्दिन की जब सर के समीप आती है सदा सज्ञान की भी बुद्धि मार जाती है बिल्कुल रखे वाली चीज ई हो गठिया वाली विपत आवले तो बुद्धिमान आदमी कोई बुद्धि खराब नहीं कहो ना कहले मन वो स्वामी जी कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि दुर्पस्कार नसी दुर्दिन की जब सर के समीप आती है सदा सज्ञान की भी बुद्धि मार जाती है बड़ा मजा बल्कि दो तीन जने के टेपो भी कर गए एक दिन की हकीकत है जय दर्द कुमार से कहो सलाल जह चला बीमार से सैन्य संग भारी सही लिवास है पांडवों के कुटिया के पास में पांडव नहीं थे बन में कुटिया पड़ी थी खाली पतियों की प्रतीक्षा में थी अकेले ही पंचाली एक रोज जयद्रथ भारी सेना लेके निकल जंगल के रास्ते जाते रहे वही जंगल में पांडव लोग कुटिया लगा के रहते रहे संजोग के बाद उसमें द्रौपदी अकेले कुटिया पर रहल पांडव लोग नहीं रहे और जयद्रथ सेना रोक दे देख ल दूर से समझ ला गेट बार हाँ ओहर वाला गेट बल ओहर वाला लंबे वाला रोक के कहा गए जंगल में देखा नजर से नूर नजारा फिसल गया नजारे फिसल गए देखा नजर से नूर नजारा फिसल गया रथ पर सवार कामी जयद्रथ मचल गया कला की तनी पता लगावा था कौन है जंगल में अकेले बैठल कौटिल्य सिंध देश का राजा जयद्रथ का साथी था चला पता लगाने लेकिन जब चला पता लगा हुआ तो वहां कब है गाना कभा कि पूछो
पूछे कौटिल्य कौन है तू? द्रौपदी अपना परिचय बतलाती है लेकिन कैसे बतावे? वह बात कि साची कहूं तुरे आवन से हमारे अंगना में आई बहार भौजी। लाखों में एक हमार भौजी है। भौजी शब्द बड़ा दुलार का शब्द है लेकिन भौजी का रूप लिखे वाला लिखले हो कि लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत। मतारी का रूप बतौले भौजाई में। ए भैया लेकिन ये तो तर्ज का आनंद हो लेकिन गाना का भाव द्रौपदी अपन परिचय बतावे भाव है कि बात करे पुरुष शर्माती सतवंती सुमुखी। अरे सुनो मैं कौन हूँ कि मैं हूँ कृष्णा कृष्ण भाई पतियों के संग बन में हुआई को बन में भेजा कसाई भाई बिपिन के मझार सुमुखी। अरे मैं द्रौपदी हूँ द्रौपदी कृष्ण मेरे भाई हैं पांच पांड मेरे पति हैं। कौटिल्य कहे कि बस बस इतने पूछे के रहे जाके जद्र से कौटिल्य कहा कि ओ भैया वो और कोई ना वो तो ही तैया में कह कौन है कहे द्रौपदी है द्रौपदी पांच पांडव उनका स्त्री जद्रथ करके आए है ओके तो हम ढेर दिन से खोजत रहे भले भेटा के लिए जंगल में जाके जद्र द्रौपदी से कहा कि क्या जंगल में तकलीफ उठा रही है लेकिन कैसे कहते तर्ज बात इन लैकन बदे के अपन घरे द्वारे खेते खरियाने अपन घूमे फिरे मौज ले बदे के एक लाइन केटे दुलहिनी के दुल्हा चल गल कोइलरी गयल तो दूसरे रंग का रहल लवट के तो दूसरे रंग का हो गए ओकर कलर ही बदल गए दुलहिनिया कहत बा का बमटर बात अरे बोलो हम क्या गईला लवट के आईला करिया न करिया पिया छोड़ा धंधा छोड़ दा वहर के कहे गोर होके गईला लवट के इला करिया हो गईला तो 5% औरत सौ में ऐसा है कि बिगड़ल आदमी रह सुना भैया ओके सुधार लेनी अब 5% ऐसा होली कि बनलो रहे तो के चौपट कह दी भैया बनलो रही जो चौपट कह दिए अरे वो ऐसा होली कि पहुंचत पहुंचत 5% ऐसा होली कि पहुंचत पहुंचत आवत आवत देख लें कि मेरे दूल्हा की कमाई ज्यादा है और घरवा में आओ कुल कम कमाला इन्हीं कमैया से पूरा खर्चा चलत बा अगर इनके अलगवा दे तो खुद रुपया अपन ही मजा नहीं पहुंचत पहुंचत कहे का हो अरे का तू अपने इनके फिर पर अलवा कुल जुट के खा गलत हुआ अकेले रहता तो मजे में रुपया जुटा के लप दे कतो 10 बीघा खिए तो लेल जात हमर अरे मुआ गलत हो कुल खिया के में तू चौपट करत हुआ सब एकदम से परिवार के दम अलगा के रख दिए 5% ऐसा होनी अब 5% ऐसा होनी कि बिगड़ल रही तो पहुंचत पहुंचत उसके बनाए दिए हाँ अब 5% ऐसा होनी उनका कहना बाकी हम भले एक टाइम कम में खाब लेकिन हमारे दूल्हा मजे कर सही बुल्लू नियर मजे कर 5% ऐसा होनी तो हर किस्म के समाज में मर्द हो हर किस्म के स्त्री है अब वो कर मूर्खता देखा कह दबा कि नौकरी छोड़ दिया हर कत्तो पच्चा पकौड़ी का दुकान करा नियरे रहे और तनी गोर रहा हमके निक लगी वो कर कहना ही हम लेकिन गाना कभाई तो मौज बजे सुना दिली कि तेरी लड़कवा हंसी बोलिए ढेर देरी से बहुजन के यही बिना पड़ता कितने जने के ना आया ये बदे कह दिली है अब बात के तनी गानों का आनंद ले रहा कि जयद्रथ का कल द्रौपदी से कहलत अरे साली लस्तर हजे जंग बोलत हम मजाक करत हो कि साली लस्तर हजे प्यार होली धनिया बचनिया हमारी मानिया अरे तू जान जी जवानिया बचनिया हमारी
आती है करे पराये पुरुष, पराया पुरुष होकर के पराई स्त्री से बात करते हो, कह पराया ना है अपना है, कह कैसे तो बताओ बन्नाता जोड़ के कि हम है तोहार इकलौता नंदोई, हम तोहार नंदोई है। कह कैसे, कह सौ भाई दुर्योधन उनकी एक बहन दुसत्सला और दुसत्सला कम दुल्हा था, तो दुर्योधन का बहनोई है, दुर्योधन का बहनोई है तो पांडवन का भी बहनोई भैली, अब पांडवन का बहनोई है तो तोहार नंदोई ना भैली। कहे हम है तोहार इकलौता ननदोई, और हमसे प्यार कर सुख महल हो, बिगड़ जाती है। करे एक याग भुताइल और दूसरे याग बार दिला, दुशासन केस पकड़ के खींचा है, वो केस अभी तक खुली है, जब तक दुशासन खून से सींच चुकी नहीं अब तब तक इसे बांधूंगी नहीं। अरे खूनों की है मेरा प्यासी कसिया, द्रौपदी कहे मूर्ख मत खेलो मौत से साथी, रे रे निलज नहीं आवत हलाज तो ही फुलफत जगावत मही मदन मत वाले तू, उल्लू उदंड चंद चूमन मति मंद चला बोलत न बयन कहे मन को संभाले तू। अरे द्रौपदी का प्यार पापी मौत को निमंत्रण है, द्रौपदी का प्यार पापी मौत को निमंत्रण है, खुद को करत कहे मौत के हवाले तू, गांडू गदाधर पति मुरलीधर भाई जाके पावक प्रिय पुत्री से प्राण को बचा ले तू, जल्दी भाग जा हमारे कुटिया के सामने से, तो खैर नहीं कहे कि हम के भगावा मत। लेकिन द्रौपदी बिगड़ जाती है, जवाब है बा अच्छा मास्टर कहके एक बात एक तर्ज हल मौज में देखे, द्रौपदी कहती है पावक, पावक माने आग, आग कुल चीज जराई, एक चीज नहीं जरा सकत का। अरे पावक दहन धर्म का पनिया बदलियो, द्रौपदी कहे कि जैसे ससुर भसुर कुरुपति वैसे तू ननदोई, लेकिन ए भैया बड़ा वो एकदम लसरियाई गल माने ना। अरे मार गई मार गई मार गई रे, का मार गई यो बताओ, कोई अधूरी बात है ले तो शंका में आदमी पड़ जाना कि आखिर का हो गल, तो का मार गई जरा गौर करा।
अरे मार गई रे खलकामी कमरिया, अरे मार गई रे खलकामी सही है। जबरदस्ती द्रौपदी खींच के रथ पर बैठा लिया और लेके भागा। भागा लगल है जब द्रौपदी के लेके रथ पर, तो रो रही है द्रौपदी, बिलख रही है, लेकिन कैसे भैया तर्जवा वह बात कि लागल लहंगा में यागी बुझाई कैसे, लेकिन गाना का भाव कि लेके बिरही कोयलिया पहलिया चला लेके बिरही चौहपदी पुकारे एक बिर फिर से आवा बिरना बोझी बजार हो। अच्छा। पुकारे एक बिर फिर से आवा बिरना अरे लजिया बचाव छल के छलिया चला लेके बिरही कोयलिया। रो रही है द्रौपदी कि भैया कृष्ण एक विराय के मारी जित फिर से बचा ला, एक बार दुशासन के पंजे से बचावला, आज हमके जयद्रथ के पंजे से बचावला। रो रही है द्रौपदी, भगवान की भृक्ति घूम जाती है, पांचों पांडव उसी समय कुटिया पर आ जाते हैं। देख लो तो कुटिया पर केहू नहीं, सुन लगत बा तो यहाँ तरी से एक लाइन तर जो है बा कि हम ना जाइबा ससुर घर में बाबा, हम ना जाइबा ससुर घर में बाबा। हर हर कार्य उलट देवा तो हुआ जी का कि रात सपना खाए पिया हमका रात सपना यह, लेकिन गाना का भावा कि भाई लाया से गुनिया पार बनावा में भाई लाया बताती है आपकी पत्नी द्रौपदी को जयद्रथ हरण करके ले गया। इतना सुने का दे रहल जेकरे औरत के कमजोर आदमी भी हो बुरी नजर कोई ताकि जान कर लेव देव हो जाए। अब पांचों पांडव वीर थे, उनकी पत्नी को जब सुने हैं कि जयद्रथ हरण करके ले गया तो बौखला उठते हैं। उसमें भीम का रूप तो एकदम उग्र रूप हो जाता है। अरे गर्जत गदाधर भीम पल में मचा दूं पलो, गदा की अदा से महिमंडल नचाऊं मैं, मसल दूं पहाड़ और धार दिग्गजों को दूं, काल की भी खाल तत्काल खींच लाऊं मैं। द्रुपद कुमारी पापी दुराचारी जो सर को उठाया तही बेसर बनाऊं मैं, भर दूं सकल सिंधु श्रोणित की सरिता से कुंती स्वर वीर भीम तब कहूं मैं। अब भी रसा गले ट्रेन से कैसे भैया दौड़ा के घेर लेन सेना समेत जयद्रथ के पांचों भाई जब घेर लेन है तो पूरब दिशा से धर्मराज
पश्चिम से अर्जुन, उत्तर से नकुल, दक्षिण सहदेव, बच गए भीम, घुस गए पीछे झुंड में। तो काल बली से बली कौन जो, बली भीम से बच के जान तीन लोग चौदह भुवनिय पार्थक बाणों से थलांग दाहिना पर भीम गए आए पचर चुमस नहीं खाए भला जय सबकी हाथी का जहां काल सर चुमत बाण अरे निकले नंदी जा गंदा गंदे काम आके तब तक पता का बाबू चला कौन कितना मारा ए भैया। आज के जमाने में देखो भैया ये लोग तो सिंधु मार मार के मुड़िए मुड़ी छीट देना कहलन कि पांचे जने मिलके पूरी सेना खत्म कर देना। अब किले बच गई, अब जिंदगी न बची, अब मुआदी सब मुंह के कहलन कि अब जिंदगी बच गया, गोपाल बा द्रौपदी के रथ से उतार देना। अब कहेंगे भैया हैला पर मेरा उसने हमारी जान छोड़ दी। धर्मराज द्रौपदी के पकड़ के कहलन के प्रिय बड़ा दुख बरतो के चलो कुटिया पर, भीम करा जा तो ही कुटिया पर हम बिना मरले छोड़ब ना उके। कहो मेहरारू के इज्जत लूटे चाहत रहल, अब हम जेते छोड़ब जब बेगुनाह होल सेना सिपाही तो मुआ गेल असली गुनहगार तो भागल जात बाप, तुम बिना मरले छोड़ब ना। ए धर्मराज कहे देखा तू गुस्सा में हुआ, एक बात बात तो ससला हो बहिन चचेरी बहिन तो कर कोनो गलती तो बानी, गलती तो ही के लिए बा, अब मरबा एक के सजा हो जाई ओके विधवा हो जी, एक बात बात की सजा इनके दे दी हम जान मत भरे। भीम कलम जैसे मौका देखो वैसा काम करे, समझदारी करे द्रौपदी का नंदोई पांडवन का बहनोई बने तवाई पहुरवा ले ले जा। अब थोड़ा सा तो जवानन के हंसे बोले बदे के ये भीम को बत कही तनी मजेदार आ गई है का गलत बात ना करी हंसे बदे के बात इतना आ गई का भीम दौड़ाई करे करे भाग इलाका जाना बचाई बबुआ आया वाले हले जाई ताई कहो मिठाई कहना हमसे कि कहो अगर भीम से न तबा भारती पर पवारे पटक छाती ऊपर दोनों मोचिया ऊपर की मोश पकड़ के दुनवा दे हिला के अचार रदे उपारी दे दुनवा। अब मोश ऊपर गई ए भैया मार के हाथ गदा में लटका ले, अरे हाथ को उपार के गदा में लटकाए ले ले तो ये जंगली हवा मार के जानवर लटकौले लकड़ी में आवल ऐसे मार के ले जाओ। तो धर्मराज कहे ई का कैला का काम है आज ए का कहले रहिया कि जिंदगी मत मारा कहा क्या भाई सास चलत हम मरल छोड़ दा दूसरा सलाह का सुहाग धर्मराज छोड़ हमारे छोड़ देन जब हाथ गोड़ खोल देन है तो मारल चोर पुआसल पाहुन ताके बान ताके दाही अरे भागो ले जाओ थोड़ थोड़ा लोटो काई बाबुआ
पागल जात बा, लेकिन मर्दन के मोछ वाला मर्दन का हाथ हरगरी मोछे पर रहा। जब मोछ ऊपर गई, जब हाथ जो है खाली हो जाए, खाली हो जाए हाथ, तो कुरत भर जाके मोछ उपा ले बा, बदला फिर अब जरूर इसी बैल का बदला चक्का व्यूहम के बीच जा चुकाया है। अभिमन्यु के मार पार्थ के हाथों जान गवाया है। अरे समुद्र का छूटा लो आलो जाई बबुआ, मदिरा पिलाई गई। जितना दारू में नशा ना हो उतना मेहरारू से कहीं नैन लड़ जाए उसे दूना नशा हो जाए। सुनबा कहला कि द्रौपदी की जयद्रथ दे के कह तो आनंद ही है। कोई तरह भाव हो यहाँ सुनबा कहला है कि चांदी के चादर में कभी फूल नहीं खिलते। तो हर का हो फिर वही तरह बदल के कह दीजिए से कले ना कि सोने के फूलों में कभी खुशबू नहीं आती। धोने से छछुंदर की धोने से छछुंदर की दुर्गंध नहीं जाती। अरे चमेली का तेल लगाना तो बोल जाइए तो ली है कि बतावा छछुंदर के चमेली का तेल लगा दे बजा तो का ओकर दुर्गंध मिटा जाई। जरूर महकी महकी तब का न महकी। तो वही तरह मर्दन के मोछ ऊपर जाए तो फिर का न जमी। अब रामदेव का नाम की जब्ब न कर तो बढ़िया हमार का अब न कर ओकर बातें छोड़ा से छछुंदर के दुर्गंध नहीं जाती। भाव हो चमल की लियारी छटा पुष्पू सर चढ़ा दी।
आरी छटा चांची न्यारी छटा पुष्प सर चढ़ाती थी, घूमने बाग में सुकुलखा रोज जाती थी। ओई द्रौपदी मती हो ये हर बिंदु जीवा में भोले का पुजारी था। हम बोले क्या हो जीवा भी भोले का पुजारी था, शिव के भक्तों में वो भक्त कर्णधारी था। घूमने बाग में घूमने बाग में सुपुलखा जब की आई है, देखा चांद को बदल लिया आई है, देखा चांद को बदल लिया आई है। जैसे द्रौपदी के जयदरथ देखले तो कलेजे पर हाथ रख ले, वैसे सुपनखा के बिंदु जीवा वीर देखा तो कहत तो घुसुक रहे हो। और कैसे तर्जमा दूसर बदल गल हो तर्ज कि कहाँ जइबा बबुआ कहाँ जइबा बबुआ नजरिया की कहाँ जइबा बबुआ। लेकिन बिंदु जीवा कहे हो कि कहाँ जइबू बबुई बिजुरिया गिराई की कहाँ जइबू बबुई। अरे जखनी कल जा तो भोला धरनी की कहाँ जीवू बबुई, अरे कहाँ जीवू बबुई बिजुरिया गिराई की कहाँ जीवू बबुई। कहता है अखिया ओ होले अमवा का भारी कहा। इतना तो ठीक रहल भाई, वो और तब पांचों पांडव आए गए ना हो यह सुना खतरा कर दिले सो कि हंस हंस के बिंदु जीवा आशा पूजा हनुमान का अपने दीपक जला कहे भैया एक मुड़ी वाला इजतिया आई के लूट ले ले तू दस मुड़ी लेके सुतल रहबा। महाबली रावण कहा कि कौन मेरे सामने मेरे इज्जत को लूट कर जाने वाला है। कहे भैया पहले देखा तो इतना सुनत महाबली रावण क्रोध में चल देता है, तर्ज आ गए भैया तू तर्ज वह तर्ज कि ना नहीं तो सब गावला हम एक थे अपने बदी स्पेशल रख ली कि कहा तो बाबा मोरा बगिया लगवल अमवारी अमवारी खाली दुगो फरल बाटी तोरा मिलल है। लड़का कुल सोचल है कि टिकोरा का माने वह तो नाम है, लेकिन मैं बड़ा बढ़िया भाव छिपल कि बाबा कौन है वो मालिक है, उसके बगीचे में दो फलियन मूल है चांद और सूरज। लेकिन लड़का कहने के बड़ा बहकावत हुआ टिकोरा वह भल की हम कह लीजिए उन्हें रस में मजा ले के वह ले ला टिकोरा उकिलवा बती अरे टिकोरा रावण चल देता है सुनी के बचलिया चला रावण अभी मानिया
पढ़ाई के کٹھے لگ جا اے بھیا کہے بیٹا بھائی لڑائی سے کام پڑن نہیں بندو جی وا کہے ڈھیر سخوا مت ستر ماہ مرلا پلک بھجے میں ایکو سری میں لگے نہ دلیا بھائی بھیڑ سے کم بھائی تہی سے پلکھا کے دیکھ لی ہمار منوا گھبرائے گل یہی میں تہی چاہے ہمیں کم ہی سمجھا اور چاہے کام کے بسی میں کام بسی بھوت سنسار ہوتا ہے अरे जय मै कोलरिया अरे जय मै कोलरिया कली आई मैं सरिया से जरिए रोज सुती है सुना थे अरे से जरिए रोज सुती है खूब बोल के चलिया आप लोग के देखा लड़ाई का मजा ही है कि जौन उलट जे तब से बिंदु जीवा कहा था आतम का आप उल्टे जाते कि कौन भैया अब बच्चे ये उठे थे देखा कहा था कैसे अरे रोल से बोला बिंदु जीवा बचनिया बहिनिया रज दे दे कहा अरे 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 कैसा ना भाई कहे सत्तर बार मम्मा मरला है एक को लगा ना दिली अब तो अपन बनोई मान के विदा कह दा अरे रावण से बोला बिंदु जीवा बचलिया बहिनिया राजा दे दा तनी ताले के झूललिया बहिनिया लेकिन वो तो मन बढ़ू जवान रहता है का अगर जो सना ने कई दे शादी अगर जो दोनों हमारे चेला हुआ यार रावण बिंदु जीवा के पटकलिया मार दे समझ के नाक बैठ गई भैया और नाक बैठल तो दांत खपचावती निकल गल आगे गप से निकल गल तब ने भोले बाबा दही के तांग खींचना रावण का चंदा करे इहो चेला 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 लड़ाई करे और गुरु तो टुकुर टुकुर मुहता कर छोड़ दे और छोड़ के कहत हुए रावण महाराज जी आप ना समझत हुआ ये हमें बड़ा अन्न बन बक्कत है कह हम बूझत है आखिर ब्याह से पुरखा के कहीं करबे न करबा आखिर यही से कहना कहा हो जा कह एक नकिया तो बैठा दिली लेकिन बड़ी आफत बोले बाबा जबरदस्ती शादी करो ना और शादी करा दे हम तब बिंदु जीवा कहा था रावण महाराज से अब तो ब्याह हो गया राम नाग तो बैठा दे हला लेकिन एक उपाय कर अब लड़ाई करके विदाई मत करा का कैसे करा विदाई कैसे भाई बल्ती आउर तोर भाई तोरे मोरे हो गए रिताई बबुआ
अब तो ले ले जा हिताई का मिठाई बउआ। और कैसे अगवा रहा है तैयार कैसे? अरे तोरे हो गल हिताई बाबूआ तो हमारे दुलहिन का कई धारी धारी बाबूआ मूरी काट ले बहन जिंदगी बराना रही लेकिन अनबन बोलबे तब बिंद जीवा समझ गल कि बड़ा गुस्सा बा भाई दुल्हन लिया के जो घर यही ना हो तो बिरहा के तेरी में भाव आलिंगन में सुख पाई जिंदगी बादल खुशी हुआ चंदा को गले लगाई 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 मार दे घमस के भर है अलाव अलाव जा। ए बाबू जब दुल्हन लेके घर आया तो जन्म करा जिंदगी में तीनिया रात हो कवन कवन जनम सुहाग और मरत और सब रात फालतू हो। और काजल का भाव तीन बताई कवन थे औरत ऐसा लजादुर होनी कि रात के काजल दे लिए सवेरे ऐसा पूछ लिए कि क्योंकि दिखाई बने कर पता न चली एकाक के ऐसा बेहया हुई है कि मेला ठेला में जइह अंगूठा से पल्ले पर और एकाक थे यार चल जा बंगाल की तरफ तब सीटी से खींच के हेप्पल 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 यारी ओकर मरकावा का जग ना हो दस तरीके जरा काजी भैया के नाल का जरो का मरकावा ना रख ले हो तो सुहाग रात के सुप्रखा अपने पति से कह रही है तर्जु है आगल मारा ठुमका ये ना हो मारा तुमका बदल गए चाल में तुम देख देख रे हमरा कमाल बितवा। इतना तर्ज सुनला रेडियो रिकॉर्ड से फिल्म क्रांति के धुन हो लेकिन यहाँ सुपुरखा कह रही है भाव काजल कहो कि कोरा कजरा बदल कटार बितवा लुट गुलशन के हमारे आप लोग समझी गल भाई मन फर्क हुई बात हो पहले जारी हुआ पाव भारी हुआ फूल डबल से हाथ खिली गया खिली गया खिली गया। गाना में एक अचरज आ गया अचरज कौन छव दिल में पैदा कुमार बीतवा सबके लड़का नौ महीना में करे छव दिन में पैदा हो गए भैया
जौने दिन धरती पर गिरल वही दिन दौड़े लगल। अरे कूदत कूदत पहुंच गल धनुष बाण उठा के खच्चा काल लड़कन के संगे खेल। रावण महाराज के पता लगल कि 6 दिन के भरने भयल बात ते देखी कैसा भाई जाए के देखे। जब चलने तो लड़िकवा कुल लड़िकन से कता रही मर्दी देख कुहा आवत हो सबके एक मुड़ी एक 10 मुड़ी वही में गदहो के लपर लपर के लिया तो कहते थे यही थे तो लहाई मारी गधा वाली मुड़ी कच्च से कर जाते। लड़िकवा धे के बांक करे देखू अब 6 दिन पेटे में रहला जन्म लिया तो गबर गबर वो गधवा के मुड़िया काटे चाहते हुआ। अरे जा तोरे दरवाजे पावत हुआ कोई हीता ना थो। अपने माँ से पूछा जब माँ से पूछने के लिए जाता है तो तर जागल माझी गीत भैया की वही पार वही पार गोरी पानी नहाए की रंगा गोरी और छान लिए दोनों पर नहीं आता कहीं का दिन कारीगरी हो गई में चोकरा मां दिनागी मचेरिया की गंगा जी जे खात होई वो बुझत होई कि कैसन सवाद होला दिना की बेलिया रोहू मचेरिया की गंगा जी रतिया ओढ़ई बना की लेकिन लड़िकवा कहत हो अपने माई से कि ये माई माई कहा रे कह बिगड़ मत नहीं जब ती धनुष बाण ले ले चढ़ाऊ ले तो ही के मारो मुड़िया कर जाई हम जवान कहते पहले सुन कहे का कस हुआ कहते ही वो हरिया था पहला तमाचा एक हमारी ले गेरिये की पहला तमाचा एक हमारी ले गेरिया की माता जी दस पीसा बीस भुजा पाय की माता जी दस पीसा बीस भुजा पाय की माता जी दस पीसा बीस भुजा पाय की माता जी। अरे खेलवा खेलाना मैया अपनी बखूरिया की माता जी लप लप अंगूरी बिराल की माता जी लप लप अंगूरी बिराल की माता जी लप लप कहे माई आदर देती देखकर गधा वाली मुड़िया खेल लाए खरी कहे अरे तो चुप रहो मामा हुए कहे दत सबकर मामा एक मुड़ी वाला हमार रही 10 मुड़ी वाला अब दे बोले मुहवा दे कि चौपट अगर चुप रहे नहीं सुन ली तो कहा बिगड़ जाए इतने जन्मे उनकी रावण महाराज सुनने नहीं गोदी में उठा लेने कहे बचवा तथा बड़ा नीक लगत हुई है कह हाँ मामा हम तो निक लगा दे लेकिन तू नहीं निक लगत हुआ कह काहे कहे कि नौ मुड़ी तो इतना निक लगा था क्या डबल डबल मूछ लेकिन है गधा वाली मुड़ी में सतौली हुआ कि जमल पहले ही से कहता तो तलवार से काट दे तो तोहरो जचे लगता तो हूं तब तक रावण झटक दिया गया चंडाल आज गिरगिट भी रंग को बदलने लगा आज गिरगिट भी रंग को बदलने लगा तेज होके तरु क्यों तो होगा केचुआ सर्प बनकर मेरे सामने मानो खुद ही गांव को तो फुका ए बचवा इत गारे से सबराज बनता नहीं उसमें बच्चे का धड़ या लहू चाहिए कितने अरसों से प्यास ये तलवार है आज मुझको भी तेरा ही खून हार जाना है म्यान से तलवार निकल घुरे से भक से प्राण फेंक दे मैंने भाई ने न चिन्ह चलल पराय के रे बाप रे बाप मैं मत हो बिगड़े लू लेकिन रावण के दिल में विस्मय हुआ कि आज छोटा बच्चा एक मुड़ी काटे कहत अक्कल जवान हो जाए तो 10 काटी इसलिए न रही बांस न बाजी बांसुरी कहले का पिया में हाँ बोले ना
सुतले महलिया में यार बिंदु जुआ गोदिया में लेके घुमा ये कतल रियन ते काता दूध बुढ़िया भारी किया हो अत्याचार भैया निशा झनझन कर रही थी पहुंचा आधी रात के लेकर तलवार इतना सही रावण महाराज निशाना मर ले कि दोनों का सर अलग कर दिया धड़ अलग कर दिया और काट के कहे आज से न कोई का सार रहम न कोई का मम्मा बिहार के मुड़ी सुड़ी काट ले तो निरंजन मल हो। जब सुबह हो तो पुरखा अपने पति और पुत्र को जगाने के लिए गई अपने भाई का खाट खाली देखी तब तो घबरा गई कि भैया कहाँ गए कोनो गड़बड़ी हो गई जाके पति पुत्र को जगाने लगी सर अलग और थड़ अलग। वही टाइम मुड़ी लेकर प्रतिज्ञा करती है कैसे कि भैया तू जवानी में मुझे राव बना के चला गया तो गाली गाली डहकाली चिरैया नैया धारावे और पीछे का भैया भैला मुदैया नैया धारावे ही चुकाई बाय हो कितनी लंका के नारी सबके राल बनाई बाय हो तू बाड़ी खोजन लगी सब भैया नैया धारा में और रतिया बीता गिर का तारिया नैया धारा में देवा यही प्रतिज्ञा के लिए कि जैसे रावण भाई होकर मुझे जवानी में राल बना दिया जितनी औरत लंका में है सबके राव बनाई व्यक्तों के छोड़ब न और पूरा का भैल आखिरी प्रमाण आलावे हो कि तेरिया चरित्र बाबू दैयन जाने चौपाई पे गाना बनल कि जौने टाइम सुपनखा भगवान के सामने पहुंची गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि यही कही कि तो ही सम पुरुष न मोहि संग नारी यह संयोग विधि रचे बिचारी। आप तीनों लोक के मालिक हैं मैं एक अबला हूं प्रभु भैया जवानी में मुझे राम बना दिया ये प्रतिज्ञा कही गई कि जब तक लंका में जितनी औरत राम न बनाई तब ले चैन से रहम न और ये कार्य हमारे भगवान आप पूरा कर सकला। भगवान कहे पगली रावण मेरा भक्त मुझे हृदय में जपता है मैं रावण के साथ अन्याय नहीं कर सकते। तब से पुलका कही कि प्रभु अन्याय न करवा तो हम अन्ना के काम का था रावण भैया बर्दाश्त न करिए तब लड़ाई का मजा आई। वही टाइम लक्ष्मण को इशारा दिए आखिरी प्रमाण है कि गुरुपत्तु गुरु कहे छह बर नारी न ब्रह्म को जाने काशीनाथ का दुगलन सिंह दुगला कोई पहचाने हाल ही में।